सॉरी निशान जी, इनका प्रॉब्लम था नेक और लोअर बैक में जी। सर आपका जो ये प्रॉब्लम था कब से था? पिछले 5-6 साल से जी। ये स्टार्ट कैसे हुआ था ये तो मुझे नहीं पता कि कैसे स्टार्ट हुआ था, शायद पोस्चरल बिहेवियर रहा हो या मेरा सिटिंग का काम है, शायद इस वजह से ज्यादा है। तो आपके जो प्रोफेशन है उसमें सिटिंग वर्क ज्यादा है? हाँ कह सकते हैं, 6-7 घंटे का सिटिंग वर्क तो है ही। ओके तो ठीक है। आपका जो पेन था वो कितने मतलब सीवियर कह सकते हैं या बहुत ज्यादा पेन था आपको? बहुत सीवियर था और पिछले 5-6 साल से मैं लगातार इसका ट्रीटमेंट ले ही रहा था, कभी कुछ टैबलेट्स खा लेता था, कभी फिजियोथेरेपी करवा लेता था और MRI करवाई इसकी, इतने ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया लेकिन कहीं कुछ आराम पड़ा नहीं। ओके तो आप जब यहाँ पे आए थे आपने कितनी सिटिंग यहाँ पे ली है? मैंने अपनी तो सिर्फ 15 डेज की सिटिंग ली थी। ओके और बाकी जो मेरे को बताया गया है पोस्चरल बिहेवियर आपको ठीक रखना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। okay. वो मैं घर पे लेता हूँ। अच्छा तो जो आपका नेक का पेन था और जो लोअर बैक का पेन था तो अभी कैसा है? लोअर बैक का पेन जो आपको हो रहा था दोनों साइड में और राइट साइड में ज्यादा सीवियर थी और एंड स्टिफनेस आपको होता था मॉर्निंग एंड इवनिंग लॉन्ग इवनिंग ऑल्सो रहता था लॉन्ग टर्म, तो अभी स्टिफनेस का क्या स्टेज है आपका? स्टिफनेस मेरे को 70-80% मेरे को स्टिफनेस कम है, लोअर बैक में देखा जाए तो अराउंड 80-90% मेरे को ठीक है और अगर नेक पेन देखें तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा आराम है, 60-70% मेरे को वहाँ पर भी आराम है जी। और यह सिर्फ 15 डेज की सेटिंग में ही हो गया तो मुझे लगता है कि अगर मैं और 10-12 दिन और सेटिंग ले लेता हूँ तो आपका 5 सेटिंग और बचा हुआ है जो हमने मेंशन किया था 15-20 दिन का जी। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? किसी का बॉडी का पेन अगर ठीक होता है तो उसका तो अच्छा लगेगा ही मैंने जी जी। तो आपका जो नाइट में भी पेन रहता था तो अब नाइट में आपको स्लीपिंग? नहीं मैं आराम से सो पाता हूँ, अब मैं बहुत आराम से सो पाता हूँ, जो आपने मुझे एक्सरसाइजेस बता रखी हैं घर पे करने के लिए जी। वो मैं करता हूँ और जैसे रात को भी अगर मैं आता हूँ थोड़ा बहुत पेन हो जाता है उस समय ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो हम दिन भर काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पेन रहता है लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे वो भी ठीक हो जाता है। ओके तो आपको मेनली आपके पोस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जी। जैसे मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आपका जो शोल्डर था वो डाउनवर्ड रहता था, तो अभी जब आप अपने पोस्चर को मेंटेन रखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं होता है जी। साइमल्टेनियसली जो मैं देख पाया हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी और भी जगह कहीं पर ली है, 3-4 जगह पर ली है, जिस तरह की फिजियोथेरेपी आप लोग करते हैं वैसी फिजियोथेरेपी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, जो आप स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जो आप पर्सनल टच देते हैं, आप लोग हमारे साथ आप लोग ही मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, तो उससे मेरे को ज़्यादा फायदा हुआ है। अदरवाइज तो मैंने पहले भी जैसा बताया कि फिजियोथेरेपी काफ़ी ली है, मुझे कहीं पर कुछ आराम नहीं मिला जी। तो ये आप लोगों का बहुत आप मतलब कर्मठ हैं, आप बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग हैं, आप चाहते हैं कि पेन ठीक हो। बिल्कुल हमारे साथ जो भी आए हैं हम यही चाहते हैं कि उनका पेन और उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम 100% सॉल्व कर पाए। नहीं मैं तो खुद चाहता हूँ कि जिसको भी दर्द हो वो यहाँ पर ढूंढ रहे, वो यहाँ पर आना चाहिए, उसको विजिट करना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 सेशन लेने चाहिए, पता चल जाएगा कि उसको आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आगे फिर और उसको कंटिन्यू कर सकता है जी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू निशान जी एंड ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है आज हमारा इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है और थैंक यू फॉर दिस रिव्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।